हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास मिश्रा पर। दोस्तों, हाल ही में देश के एक प्रसिद्ध टीवी चैनल पे एक शो आया था। उस शो में बताया गया कि बिहार का एक जिला जिसमें एक गांव है, वो पिछले करीब 87 सालों से 60 बार उजड़ चुका है, यानी कि पिछले 87 सालों में 60 बार उस गाँव में बाढ़ आई है और जो कुछ भी उस गाँव में बनाया गया था उसे अपने साथ बहा के ले गई। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे ये बताया गया था कि बिहार सरकार और साथ साथ हमारी भारत सरकार किस प्रकार से बिहार में बाढ़ के निदान के लिए काम कर रही है, क्या यहाँ पे काम किया जा रहा है और किस तरीके से दोनों सरकारें यहाँ पे फेल साबित हो चुकी है। और दोस्तों, अब जो है वो बाढ़ का प्रभाव हमारी रेलवे लाइन पे भी देखने को मिल रहा है और एक बार फिर से रेलवे लाइन पे बाढ़ आ चुकी है और बिहार की कई सारी ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे किस रेलवे लाइन पे बाढ़ आई है और कौन कौन सी ट्रेनें डाइवर्टेड या फिर कैंसल्ड रहेंगी, पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, इससे पहले क्यूज करूँ मेरा आपसे आग्रह, यदि भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय भी जरूर बताएं। और कुछ शिकायत आपका है तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो दोस्तों, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हम यहाँ पे बाढ़ की बात करें तो ये आई है भागलपुर जमालपुर रेल सेक्शन में। यहाँ पे सुल्तानगंज रतनपुर रेलवे स्टेशन के बीच में कई सारे रेलवे पुलों पर पानी भर चुका है, जिस कारण से यहाँ पे हमारी भारतीय रेलवे ने कई सारी ट्रेनों को कैंसिल किया है। यदि हम यहाँ पे कैंसिल ट्रेनों की बात करें तो यहाँ पे जयनगर भागलपुर इंटरसिटी, मुजफ्फरपुर भागलपुर इंटरसिटी को कैंसिल किया गया है और इसी के साथ भागलपुर दानापुर इंटरसिटी और मालदा क्यूल इंटरसिटी को जमालपुर में ही रोक दिया गया है, इससे आगे ये ट्रेन नहीं जाएंगी। और दोस्तों, यहाँ पे यदि हम रूट डाइवर्टेड ट्रेनों की बात करें तो कटिहार बरौनी के रास्ते फरक्का एक्सप्रेस को चलाया गया है और इसी के साथ साथ विक्रमशिला एक्सप्रेस, गुवाहाटी लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस के साथ ही साथ भागलपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस का रूट बदल दिया गया है, जिस कारण से अब ये ट्रेन क्यूल जीसीडी बांका के रास्ते भागलपुर पहुंचेगी। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, क्लिप्स इतना ही, मिलेंगे फ्रेंड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।